आर स्पर्स गोइंग फॉर द टाइटल? दैट्स द फैन थिंग्स. तो इसका सिंपल सा आंसर है यस. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सीरीज को शुरू करने के लिए, जिसका नाम है व्हाट फैंस थिंक टिल नाउ ऑफ देयर क्लब. और ये कुछ टॉप 6 टॉप 7 क्लब्स के ऊपर ही बेस्ड रहेगी कि कैसी उनकी ट्रेजेक्ट्री रही है अभी 8 गेम वीक्स तक. हाँ, ये सिर्फ जब तक ये अपना ब्रेक चल रहा है, इंटरनेशनल ब्रेक, प्रीमियर लीग थमी हुई है, तब तक के लिए ही ये कुछ 5-6 क्लब्स के ऊपर वीडियो होंगी कि उनके फैंस अभी क्या सोच रहे हैं. और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहले क्लब के ऊपर जो फर्स्ट पर है करंटली, सरप्राइजिंगली फॉर मेनी, अनसरप्राइजिंगली फॉर नोबडी, क्योंकि सबके लिए सरप्राइज है. डजंट मैटर यू आर अ फैन ऑफ टॉटनहम और यू आर नॉट अ फैन ऑफ टॉटनहम. But today we are going to begin this series and let's get straight into it. So before talking about anything else, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी. उसकी सिंपल सी वजह थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी एग्ज़ाम्स आते हैं, उसके लिए पढ़ाई करके थोड़ा टाइम कम मिलता है और उसी वजह से वीडियोस नहीं ला पाया मैं, मुझे माफ़ करिएगा. अब से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी टिल द नेक्स्ट एग्ज़ाम. सो स्पर्स अभी तक फर्स्ट पे कैसे बनी हुई है? मतलब नो वंडर देयर प्ले स्टाइल इज गुड, नो वंडर देयर मैनेजर इज अमेजिंग, नो वंडर दे हैव गॉट सच कैलिबर ऑफ प्लेयर्स. मतलब उनके प्लेयर हाई लेवल, स्टैंडर्ड लेवल प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं कुछ. लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात है फॉर मैनी मैनी फैंस, फॉर मैनी मैनी राइवल क्लब्स. और कोई से भी क्लब वर्ल्ड का भी नहीं सोच सकता था कि गोइंग इन टू गेम वीक 8 स्पर्स विल बी ऑन द फर्स्ट प्लेस. तो इसकी सिंपल सी रीज़न है कि पहली बात तो स्पर्स बट डाउन, वेरी डाउन व्हेन हैरी केन लेफ्ट, ऑल द कॉन्टेस आगा और एंज पोस्टेकोग्लू, जिनका किसी ने भी, वी हैव टू एडमिट दैट वी डिडंट हर्ड हिज नेम, मोस्ट ऑफ द फैंस डिडंट नो हु ही इज, हु ही वाज. तो जब से वो आए हैं हमें पता चला है उनका नेचर, उनने वो एक लौता रीज़न है आई विल से दैट हैज चेंज्ड द क्लब. एंड फैंस राइट नाउ नो दैट ही इज़ द ओनली रीज़न बिकॉज ऑफ विच वी आर हेयर, वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म द फर्स्ट प्लेस. और क्या ये कंसिस्टेंट रह पाएगा? आर स्पर्स गोइंग फॉर द टाइटल? दैट्स द फैन थिंग्स. तो इसका सिंपल सा आंसर है यस. नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट यस. स्पर्स के फैंस अभी भी यही डिमांड कर रहे हैं कि वी हैव टू नॉट एक्सीड अवर लिमिट्स आफ्टर व्हाट हैपेंड मरीनो एंड कॉन्टे सागा, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड. सो हमें अब सिर्फ एक सिंपल टारगेट रखना है इस सीज़न का, टॉप 4. क्यों नहीं हम बोल रहे टाइटल के लिए जा सकते? क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, हमने काफ़ी बड़े क्लब्स को टक्कर दी है, बीट किया है, डजेंट मैटर व्हाट हैपेंड इन दोज गेम्स, बट वी हैव टेकन आउट द बिग रिजल्ट्स एंड कंसिस्टेंटली. सो क्यों नहीं हम ये सोचते कि हम टाइटल को जाएं? तो उसका भी एक सिंपल सा आंसर है, स्क्वाड डेप्थ. स्पर्स की फर्स्ट 11 जितनी ही अच्छी है, उनके पास बेंच में उतना ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. विकारियो के पीछे फ्रेजर फॉस्टर है, वी डोंट नो इफ लॉरेंस विल एवर प्ले फॉर द क्लब अगेन, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे ही रही है अभी पिछले कुछ महीनों से. कोई रिपोर्ट्स नहीं है उनके कि वो ट्रेनिंग में हैं अभी, कि क्या हो रहा है उनका, किसी को कुछ नहीं पता. तो विकारियो के पीछे हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा है, फ्रेजर फॉस्टर, एंड दैट्स अ मैसिव डाउनग्रेड, क्योंकि उनकी एज होते जा रही है, वो लेग्स खोते जा रहे हैं, उनकी एबिलिटीज कम ही हो रही हैं, कोई इंक्रीज का ऑप्शन नहीं है. सम हाउ विकारियो गोज आउट, वी आर फ्रेजर फॉस्टर, द सीजन इज डन. फिर आते हैं हम बैकलाइन पे वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन देन रोमेरो एंड वैन देवेन. एरिक डायर को ही लाना पड़ेगा, बेन डेविस वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आप आ जाओ भाई मरीनियो और कॉन्टे वाले साथ में, दैट्स इट. क्योंकि एशले फिलिप्स हैं अनप्रूवन, ही हैजंट इवन प्लेड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन चैम्पियनशिप, ही इज अनप्रूवन अनटेस्टेड. और अकेडमी के कुछ प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टॉनली वगैरह, लेकिन इट विल बी स्टिल टू यंग टू गो स्ट्रेट इनटू द टीम फेसिंग बिग टीम्स इन द प्रीमियर लीग. सो वी हैव नथिंग ऑन द बेंच एंड सिमिलर विद एवरी पोजिशन. मैं सब पोजिशन को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन टॉटनहम, हाउ आर टॉटनहम प्लेइंग, क्या गलत था, क्या सही जा रहा है, क्या सही होगा, क्या गलत हो सकता है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो की मैं बना चुका हूँ वो. बाकी फैंस का सिंपल सा मोटो है कि भाई एंज भाई आप कितना ही अच्छा कर रहे हो, आप अपनी परफॉर्मेंसेस निकालो भले ही रिजल्ट ना आए,
पीपल आर हैप्पी इफ देर आर नो रिजल्ट्स बट गुड परफॉर्मेंस इन स्पर्स, क्योंकि हमने वही नहीं देखा है. हमने काफ़ी बार रिजल्ट्स देखे बट हमें वो प्लीजिंग परफॉर्मेंस नहीं मिली. फॉर विन 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 की हमें ट्रॉफी जीतनी है जीतनी है जीतनी है के चक्कर में हम कुछ नहीं जीत पाए. Hold up, wait a minute, something ain't right. We need performance, we need time. Ange has got his time and just established himself pretty properly and pretty fast. तो ये स्पर्स की थिंकिंग है, फैंस की थिंकिंग है कि वी नीड टॉप फोर, वी वांट टाइटल, वी वांट मेनी थिंग्स, ट्रॉफी, कहीं अगर एफए कप मिल जाए हमें या टाइटल और एफए कप में ही है हम, तो मतलब कुछ भी अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वी आर हैप्पी विद टॉप फोर. बट अगर हम जनवरी तक किसी तरीके से फर्स्ट सेकेंड इवन थर्ड आसपास मंडराते हैं तो हमारी शायद एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप जनवरी तक टाइटल के लिए टक्कर दे रहे हो एंड जनवरी अराइव्स, प्लेयर विल बी रेडी टू हॉप ऑन द टीम एंड जॉइन दिस रेस, क्योंकि प्लेयर्स की ही हमें काफ़ी ज़रूरत है और इवन प्लेयर्स क्लब्स नोज की टॉटनहम को ज़रूरत है. और इफ़ वी आर एबल टू अट्रैक्ट सम रियली गुड टैलेंट एंड बेंटेंकर जैसे प्लेयर, लो सेल्सो अगर फिट होते हैं जो कि बहुत अनरियलिस्टिक है, टू मच टू आस्क फॉर. बट एनी वे इफ एनी थिंग राइट हैपन्स विथ इंजरी को अगर हम नज़र में रखें, हम नज़र में रखें अगर साइनिंग्स को, कोई तीन चार तो बहुत हो जाएंगी विंटर के लिए, दो तीन साइनिंग्स अगर अच्छी हो जाएँ और प्लेयर्स फिट रहते हैं, देन वी हैव अ ग्रेट शाउट टू द टाइटल. दैट टू इफ वी आर मिक्स ऑफ द टाइटल रेस टिल जनवरी. और ये सब बहुत कुछ है मांगने को, बहुत कुछ है बोलने को, तो इट्स काइंड अनरियलिस्टिक बट कुड बी रियलिस्टिक कंसिडरिंग द वे दैट वी हैव बीन प्लेइंग टिल नाउ, वी आर परफॉर्मिंग गुड. और अगर यही चलता रहा अभी ब्रेक के बाद भी तो वी माइट थिंक समथिंग मोर, पर अभी नहीं. राइट नाउ टॉप फोर वी आर हैप्पी एंड आई डोंट थिंक देर विल बी एनी प्रॉब्लम फॉर अस टू गेट टॉप फोर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज है, काफ़ी ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं एंड Ange has his ways and he has to sort out one two things ki low block ko kaise beat kare, hum agar 10 men mein jaate hain to kaise beat kare aur samne wali team 10 men pe, matlab thodi thodi cheeze hain Ange ko sort out karni hai, baki sab kuch badhiya hai aur kuch players aate hain to next season we sure could be the title contenders, but this season the time will only tell. डू मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप स्पर्स के फैन नहीं भी हैं और आप अगर दूसरे क्लब्स को भी सपोर्ट करते हैं, हम सबके लिए कंटेंट बनाते हैं, हम हर टीम के ऊपर रिसर्च करते हैं, क्योंकि है तो आप हमारा राइवल ही ना, तो उस हिसाब से भी आपको हर जगह का कंटेंट मिलेगा, हर क्लब का, फुटबॉल वर्ल्ड से, नॉट ओनली ऑफ फॉरन, इंडियन से रिलेटेड भी, इंडियन फुटबॉल रिलेटेड भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा. तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब किए, कोई स्पर्स फैन है तो ये वीडियो तो उसको शेयर किए, बाकी चैनल पे बने रहिएगा और आपके लिए, आपके क्लब्स के लिए भी हम अपनी जल्दी वीडियो लाते रहेंगे. बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस.